Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So I'm here with another 15 questions on computer fundamentals. Computer fundamentals ke questions aapko bahut hi important hote hain for any kind of competitive exam or entrance exam aap dena chahte ho for BCA or other computer related courses. So hum in videos mein, har video mein 15 multiple choice question karte hain jo ki computer fundamentals se related hai. So aap ye questions attempt kijiye aur mujhe bataiye comments mein ki aapke 15 mein se kitne answers sahi the aur aap kis purpose ke liye computer fundamentals padh rahe ho. Although I know ki maximum students bhi channel pe IPU BCA entrance ke liye, par agar aap Lucknow University se bhi kar rahe ho, Chandigarh University se, Christ University se, kahin pe bhi jahan ek starting mein basic entrance exam liya jata hai, usme ye questions aapse पूछे जा सकते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जब आप आगे जाके एग्जाम्स दोगे वहां पे भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है. एंड स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस. सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली. तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता है. आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमएस डॉस. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वो मल्टीटास्क नहीं करता है. सो एमएस डॉस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट है विच इज द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल. सो OSI मॉडल क्या होता है, जब कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते हैं तो उसमें एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है का पूरा नेटवर्क जो है वो लेयर्स में डिवाइडेड है. ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है. अब इसमें सबसे टॉप पे होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद आपके पास होती है सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और उसके बाद होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है. देखो सात लेयर्स होती है यहाँ पे. स्पेसिफिकली फोर्थ लेयर आपसे इसीलिए पूछा है कि आप ऊपर से जाओ तो भी चौथे पे आओगे, नीचे से जाओ तो भी फोर्थ पे सेम ही आएगी. सो ट्रांसपोर्ट के नीचे होती है नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, और फिर आपकी फिजिकल लेयर होती है. तो मैं अगर नीचे से भी चलूं तो भी फोर्थ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ऊपर से भी चलूं तो भी फोर्थ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है. सो बोथ वेज आपका जो आंसर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है. फर्स्ट ओके, द क्वेश्चन इज डैश सर्व्स स्टोर एंड मैनेजेस फाइल्स ऑन द नेटवर्क यूजर्स. तो व्हिच टाइप ऑफ सर्वर विल स्टोर फाइल्स? फाइल सर्वर है ना. सो डेटाबेस सर्वर पे डेटा स्टोर होता है, फाइल सर्वर पे मोस्टली सारी फाइल स्टोर होती है. डैश इज अ वेब नेटिव प्रोटोकॉल. वेब का नेटिव प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP. क्यों? क्योंकि सारी वेबसाइट्स जो हैं वो किसकी हेल्प से ओपन होती हैं? HTTP की हेल्प से. आप साइट ओपन करते हो HTTP, आजकल हम HTTPS से करते हैं, दैट मीन सिक्योर, और फिर यहाँ पर अपनी साइट का नाम दिया जाता है. फुल फॉर्म क्या होती है HTTP की, ये आप कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ. सो राइट डाउन दी फुल फॉर्म इन दी कमेंट्स. What is the full form of HTTP? Next question is, an internet-like network that is used exclusively within organizations such as business is called Dash. सिर्फ एक business के अंदर एक पूरा network है. मेरी company है, उसके multiple offices हो सकते हैं, but एक network है जो सिर्फ उसी office के computers को connect कर रहा होता है, उसे कहते हैं intranet. Internet global है, उसमें कोई भी connect हो सकता है. Intranet is जो सिर्फ आपके एक office, एक business के computers को आपस में connect करता है, उसे हम इंट्रानेट कहते हैं. अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा इंफॉर्मेशन पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर. एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स जहां पे हर चीज एक सेंट्रल कंप्यूटर से होके गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्टार नेटवर्क कहा जाता है. सो एक सेंट्रल कंप्यूटर से होके सब कुछ पास होता है तो उसे हम स्टार नेटवर्क कहते हैं. लैंस कैन बी कनेक्टेड बाई डिवाइसेस कॉल्ड डैश which operate on data link layer. So, आप different LANs को आपस में connect कैसे करते हो? With the help of a special device called bridge. So, एक ही LAN के अंदर computers connect करने के लिए hub होती है. So, within a LAN, if you're connecting computers, we use hub. लेकिन आप multiple LANs को आपस में connect कर रहे हो, तो उसके लिए bridge use होता है. और जब wide area networks को connect करते हैं, तो gateway use होता है. Now, a half-duplex communication channel that permits information to travel. Option hai both ways at once, both ways but not at once, one direction at a time intervals. Dekho, humare paas teen tarah ki communication hoti hai. Duplex, half-duplex, full-duplex. Duplex nahi hoti, matlab simplex, half-duplex and full-duplex. Simplex ka matlab hota hai, one direction only. Jaise hum TV dekhte hai.
टीवी में जो चल रहा है वो आप देख सकते हो, है ना। अब टीवी में अगर कोई किसी के खिलाफ साजिश कर रहा है किसी सीरियल में, आपको तो पता है, लेकिन आप वापस बोल तो नहीं सकते ना उसको कि भाई देखो तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ऐसा नहीं करना। या हम मूवी देख रहे होते हैं थिएटर में, हमें चाहे पता हो कि पठान जिंदा है, लेकिन उसको थोड़ी पता है ना, आप उसको बता सकते हो। वो सिंप्लेक्स है, एक तरफ डेटा आ रहा है, हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं, मतलब कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। देन एक होता है कि दोनों तरफ कर सकते हैं, बट वन एट अ टाइम, एक बंदा भेज सकता है। वॉकी टॉकीज आपने कभी देखे होंगे, तो उसमें वो बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं ओवर, फिर दूसरा बोलता है, तो उसमें एक साथ दो लोग डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। एट अ टाइम ओनली वन कैन ट्रांसफर द डेटा, सो वो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। तो इसके आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ वेज बट नॉट एट वंस। तो दोनों तरफ ट्रांसमिशन हो सकती है बट एक साथ नहीं। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, दोनों तरफ ट्रांसमिशन हो सकती है साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक ही साथ दोनों तरफ से डेटा आ सकता है, जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं, वो अलग बात है, दो लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, बट जा सकता है डेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, देखो हायरार्किकल का मतलब ही होता है ट्री शेप। हायरार्की मतलब ये ऊपर ये नीचे आप डिफाइन कर रहे हो, सो जहां पर हायरार्की वर्ड आ गया, दैट मीन्स यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। तो जब ट्री फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसे हम हायरार्की कहते हैं। डैश इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे, डेटाबेस, है ना। सो डेटाबेस इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड वे। डैश इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट रन और कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर और प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड, सो दो कैटेगरी सॉफ्टवेयर की क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं लाइक पावर पॉइंट, एक्सेल, है ना, पेंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। A 7-bit weighted code, 2 bits of which are simply to indicate whether or not the coded decimal digit is less than 5, is. Iska kya answer hai? Is it barcode? Is it machine code? Is it binary code? Or is it gray code? ठीक है, so ये आपको बताना है. Explore करो and बताओ कि इसका answer kya hai. PROM is a Programmable Read Only Memory, इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शंस में क्या कहा गया है, मैन्युफैक्चर्ड ब्लैंक एंड कैन बी प्रोग्राम्ड एट वॉफर, इट्स कंटेंट कैन बी चेंज्ड, इट इज आल्सो नोन एज वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, तो इसमें आपके पास आंसर जो है, इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है क्योंकि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, its content can be changed nahi hai, so option number c is the correct answer in this, theek hai, and it is one time programmable manufactured blank, so it is both a and c, blank hoti hai program ki ja sakti hai hamare through, one time programmable hai wo bhi ek hi baat hui, so it's both a and c, theek hai. A light sensitive device that converts drawing printed text or other image into digital form is called, so aapka koi bhi jo data hai jo paper pe hai aur usko aap convert karna chahte ho, ठीक है, उसको इमेज को डिजिटल फॉर्म में, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है वो कौन सा है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। सो स्कैनर इज यूज्ड फॉर दैट। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, दैट इज क्वेश्चन दिस। तो ये आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या है, कौन सा वाला 7-bit वेटेड कोड हम यूज करते हैं इस पर्पज के लिए जो यहाँ पर मेंशन है। अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा है, आई विल शो यू, ठीक है। So this is the question. So find out the answer for this and write in the comments. और बाकी के questions में से बताओ कि आपके कितने answers सही थे. So that is it for this video. Next video में मिलेंगे और questions के साथ. Channel को subscribe कर लो ताकि कोई video आपकी miss ना हो. And we will be starting live classes for covering the basic topics after 2nd of April. तो subscribe करके रखिए, share कर दीजिए अपने सभी friends के साथ जो BCA entrance exam के लिए prepare कर रहे हैं. ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट भी है, तो आपको मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, देर आर मेनी फ्री मॉक टेस्ट ऑल्सो, सो डाउनलोड द ऐप फॉर फ्री, उसमें मॉक टेस्ट हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको एग्जैक्टली
उसी तरह से देगा मार्क्स जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में होंगे कि हर सही क्वेश्चन करने पे 4 नंबर सही मिलेंगे, हर गलत क्वेश्चन करने पे 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा. जो क्वेश्चन आप पास करोगे उसमें कुछ नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. सो यू कैन एक्चुअली सी वेर डू यू स्टैंड व्हेन यू गिव द मॉक टेस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी तैयारी को चेक भी करना चाहिए, तो चेक कीजिए. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए एंड गिव द मॉक टेस्ट फ्रॉम द कोर्स. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Like, share, subscribe करते रहिए और मैं आपको videos provide करती रहूंगी. So मिलते हैं जल्द ही. Bye for now. Take care.